जो अनंत से एकांक धन आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, कार्य को W से जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है तो उस कार्य और आवेश के अनुपात को, आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक बोल्ट या जूल प्रति कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम होता है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। सब याद करें, इसका बीमा तथा इसका बीमा M L -3 T -2 A -1 यही है वैद्युत विभव। देख लो ML/2 होता है। एक मिनट, इसके बारे में दस उसको बंद कर दो, बंद कर दो, ये याद कर लो। सुनो, अच्छा यहाँ से एक मात्रक आपका बन सकता है। यहाँ से देख रहे हैं ना, सुन लो, मैंने भी बराबर यहाँ से किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंडरी इंटू आइए है ना, तो एम्पियर पर -1 इस तरीके से मात्रा के कोण बन सकता है। वैद्युत विभव याद करो, सुन लो, याद कर लो अभी, जस्ट क्या होता है वैद्युत विभव देख लो, बता दोगे? हाँ, तनिष का फॉर्मूला देखो, फार्मूला लिखो, मिटा देना पूरा लिखो। यदि यदि Q आवेश को अनंत से लाने पर W जो कार्य किया जाए तब विभव बराबर V बराबर डब्लू बटा क्यू यह होता है। कार्य डब्लू हुआ है अभी। अच्छा, जैसे बीमा भी निकाल सकते हो, बता दें, जैसे कार्य का बीमा क्या होता है, कार्य का ML²T - 2 होता है ना, है कि AT होता है, सिंपल बात। तो ऊपर वैसे ही लिख लो ML² पर आई एक जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, T - 2 तो पहले से एक जा रहा है, आई पर माइनस हो, वैसे ही निकल जाता है। ठीक है, अभी वो सवाल लगाएंगे लेकिन पहले तो लिख लेते हैं एक बोल्ट का परिभाषा। एक बोल्ट का परिभाषा तो बढ़िया पढ़ना, देखो बच्चे बहुत मेहनत किए थे बार बार,
उसी समय से खाली 2 घंटा में तो खाली नुमरिका लगा लो 20 लोग, तुम लोग को भी नुमरिका लगाना है। 1 वोल्ट का परिभाषा। अच्छा अपना मन से बताओ, तुम सब लोग अपना मन से बताओ, 1 वोल्ट का परिभाषा क्या हो सकता है? देखो 1 वोल्ट का अगर परिभाषा करे तो क्या कहोगे कि यदि अनंत से, तो सुन लो एक खुलाम कर जला मात्रा के अनुसार एक चीज, यदि अनंत से 1 कूलम आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो वहाँ वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। समझ गया? अपना मन से भी लिख सकते हो, समझे हो तो लिख लो। अनंत से 1 कूलम, 1 कूलम आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो लिख लो। यदि अनंत से 1 कूलम आवेश को उठाकर, किसी बिंदु तक लाने में, एक जूल कार्य किया जाता है, तो वहां वैद्युत विभव, एक वोल्ट होगा, यदि अनंत से 1 कूलम आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जहाँ भी है तहाँ 1 वोल्ट, जहाँ डब्ल्यू है तहाँ पर 1 जूल, जहाँ क्यू है तहाँ पर 1 कूलम, तो यहाँ से आपका एक, ये अच्छे तरीके से बता दें। अनंत की बात जरूर होगी, ठीक है, समझ लो इसको। देखो क्या आपसे कोई पूछेगा तो बता सकते हैं कि नहीं, पूरा बता सकते हैं। सवाल लगाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे सवाल, पहला सवाल लिखते हैं, मिटा दो सब, रह गया जी, लिखो पहला, फर्स्ट, यदि अनंत से 50 कूलम आवेश को उठाकर, किसी बिंदु तक लाने में 100 जूल कार्य किया जाता है तो वैद्युत विभव बताइए, सोच के बताओ। देखो आ गया, बहुत सिंपल सवाल था, ऐसे सवालों को आपको मुझवानी आ जाएगा। अनंत से 50 कूलम, क्यू का मान 50 कूलम, 100 जूल, डब्ल्यू का मान 100 जूल, जे लिख दो जूल, भी आपको निकालना है, भी बराबर होता है डब्ल्यू अपान क्यू, डब्ल्यू का मान 100, क्यू का मान 50, 2 वोल्ट आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, क्या आप लगा सकते हैं उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बोलो, कोई दिक्कत हाँ? एक और लिखो, इसको लिखा गया सुखा
ये सब बोर्ड में आता है। बच्चे जो होते हैं लगाना होता है तो लगा लेते हैं, नहीं लगाना होता है तो नहीं लगाते हैं। तुम लोग क्या करोगे? लगा लोगे? हाँ दिशा लिखो। देखो किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट के विभवांतर से ले जाया जाता है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट के विभवांतर से ले जाया जाता है तो कार्य की गणना कीजिए। तो कार्य की गणना कीजिए। अच्छा ये बताइए कि आपको याद है, सवाल बहुत बेस्ट दिया है लेकिन आपको बेस्ट तरीके से लगाना। इसमें आपको नजर आ रहा होगा एक अल्फा कण है, एक 10 वोल्ट है। तो एक बात आप क्लियर हो ही रहा होगा, जब हल करेंगे तो यहाँ 10 वोल्ट है तभी कमाना 10 वोल्ट लिख लेंगे। लेकिन आपको डब्लू निकालना है, लेकिन आपको क्यों नहीं मालूम है। अच्छा अल्फा कण को जानते हो ना, 2HE के ऊपर 4 से प्रदर्शित करते हैं। हीलियम का नाभिक होता है अल्फा कण, जब भी अल्फा कण करेगा तो इतना, तो 2 जो देख रहे हैं ना तो इसका आवेश 2E होता है। इलेक्ट्रॉन होता तो खाली ही होता, प्रोटॉन होता खाली ही होता, लेकिन जब 2 है तो 2 लिखते। E का मान होता है 10^6 × 10^12 और जब गुणा करते 3 × 16 = 32 हो जाएगी 10^-19। क्यू का मतलब हो गया खुला, सी लिख लो खुला। अच्छा ये बताओ डब्लू पूछे जाते सूत्र क्या होता है, प्लीज बताओ हमको। वी बराबर डब्लू बटा क्यू, जब गुणा करोगे तो डब्लू बराबर वी गुणा क्यू, डब्लू बराबर वी गुणा क्यू। वी का मान 10, क्यू का मान 3.2 × 10^-19, 3.2 × 19 में से घटा दो 10^-18 और डब्लू है कितना जूल आपका आंसर आ गया। देख लो समझ लो। तो 19 में से घटा दिया गया 10^18 और उधर बैठ जाओगे तो साफ दिखाई देगा। ठीक है नोट कर लो इसका। अच्छा देखो ये होता क्या है, वैद्युत विभवांतर। मान लो यहाँ पर 2 बिंदु है, क्या है 2 बिंदु, एकांक धन आवेश है। एक बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना हमें कार्य करना पड़ेगा, जो इसका आवेश होगा उसी का अनुपात वैद्युत विभवांतर कर लिख लो। यदि किसी एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इससे भी यही बात होगी, भी से प्रदर्शित करते हैं भी लिख रहा हूं। इसका भी मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलम्ब
होता है, यह एक अदिश राशि है। तथा इसका बीमा एम एल स्क्वायर टी पर माइनस थ्री ए पर माइनस वन होता है। चलो करा के लिखो, समझो इसको। लेकिन ना आप एक लिख सकते हैं भी ए माइनस भी बी बराबर डब्लू बटा की। इसका भी बीमा मात्रक निकालेगा तो उसी तरीके से निकलेगा। अब देखो एक बोल्ट का परिभाषा किसके आधार पर, वैद्युत विभवांतर के आधार पर। एक बोल्ट का परिभाषा अभी आपने कहा भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू कहा, जहाँ भी है तहाँ एक वोल्ट, जहाँ डब्ल्यू है तहाँ एक जूल, जहाँ क्यू है तहाँ एक जूल। आपने कहा कि दो बिंदु है इस तरह। यदि सिंपल सी बात है कि एक कूलम आवेश को उठा करके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि एक जूल कार्य किया था तो आप बैठे हुए एक वोल्ट होगा। लिख लो, यदि एक कूलम आवेश को एक बिंदु से उठा कर दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक जूल कार्य किया जाता है तो वहां वैद्युत विभवांतर एक वोल्ट होगा। नीचे वाला लिख लेना, देखो यदि 3.4×10⁻⁷ कूलम के आवेश को यदि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में एक 1.7×10⁻⁵ जूल कार्य किया जाता है तो वैद्युत विभव बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, हल करते हैं इसको। अरे ये जो दिया है कूलम, इसको क्यू मानते हैं ना, 3.4×10⁻⁷ कूलम आई दिया है, डब्ल्यू मानते हैं 1.7×10⁻⁵ भी निकालना है। याद है भी, तो भी बराबर क्या होता है डब्ल्यू बाई की, डब्ल्यू का मान 1.7×10⁻⁵, क्यू का मान 3.4×10⁻⁷। अच्छा दशमलव के बाद है, एक अंक बात है, एक मतलब 0.2 हट जाए,
काली होगा 17 गुणे 10 के माइनस 5 आयु पर लेके जाओगे 10 के नियम होता है कि 10 के बाद जो भी नीचे उसके ऊपर काट दो नीचे 34 17 दुना 34 7 बजे 5 जैसे 100 बटा दो काट दो 50 वाले में तो 50 वोल्ट आ गया आंसर। अगर आपको पूछना है तो आप देखो यदि 0.01 कूलम आवेश को ए से बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है तो भी बी माइनस है यह बैठो बी ए का मान बताइए। चाहे आपके ये पूछे चाहे बी ए माइनस बी बी का मान पूछे दोनों कंडीशन में यूज किया जाता है। हल करेंगे आप इसको क्या दिया है क्यू का मान 0.01 खुला अच्छा 12 जूल है डब्ल्यू का मान और भी बी माइनस भी ए हो चाहे खाली भी ए हो डब्ल्यू बाई क्यू होता है जहाँ डब्ल्यू है तहाँ 12 लिख दो जहाँ क्यू है तहाँ 0.01 लिख दो पहले समझ लेना दसवां के बाद दो अंक बढ़ा तो ऊपर दो गो जीरो बढ़ा तो 1200 नीचे एक तो खाली 1200 वोल्ट आ जाए हो गया नोट कर ले इसको। देखो उदाहरण 5 में क्या कह रहा है आपसे कि यदि ए और बी का विभव 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है तथा 8 माइक्रो कूलम आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य बताइए। क्या आपसे लग जाएगा सवाल ये पहले समझते हैं हम लोग पहले समझो इसको सुनो हल करेंगे इसको का दिया सुनो भी ए का मान दे दिया 2 वोल्ट जब ए कह रहा है तो 2 वोल्ट बी कहेगा तो भी 4 वोल्ट यहाँ से भी का मान निकाल लो भी बी माइनस बी ए से तो 4 माइनस 2 तो 2 वोल्ट एक और क्या दिया है 8 माइक्रो कूलम क्यू का मान 8 माइक्रो कूलम माइक्रो घटाने के लिए ना 10 को माइनस 6 लिखेंगे तो माइक्रो हट जाएगा 8 गुना 10 को माइनस 6 माइक्रो हट गया क्यूल खुला तो आपसे तो पड़े ना डब्ल्यू बराबर भी गुना क्यू अरे कहाँ से आ गया जब भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू होता है इसे तो गुना करते आ जाए भी का मान 2 क्यू का मान 8 गुना 10 को माइनस 6 तो 16 गुना 10 को माइनस 6 जूल नहीं तो और अच्छा से लिखना चाहते हैं 10 गुना यहाँ पर उठा के यहाँ पर 1.6 गुना 10 के ऊपर 1 10 को माइनस 6 1.6 गुना 10 को माइनस 5 जूल समझे हो ये 10 गुना उठा के यहाँ पर लेकर आओगे ना एक प्लस में हो जाएगा नोट कर लो इसको देख लो कि यदि किसी वस्तु का विभवांतर 15 गुना 10 के ऊपर 5 10 के ऊपर 3 वोल्ट है तो ऊर्जा का मान जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है अरे तो पानी दे रही है लुटवा में जूल और
इलेक्ट्रॉन बोल्ट हमारे कलम इसलिए कहा ना बोल्ट में बताइए और ये का मान लिख ले तो सब अच्छा होगा। चले था नहीं ये बराबर ये क्वेश्चन हल करें बस समझ लो तब लिखना हल कैसे करेंगे ये इसको हल करो भाई टाइम आपको 2 मिनट है 2 मिनट का टाइम दे लगाने के लिए। अच्छा मना रहे देख लो पहले तो ये देखो भीख एकदम आराम से समझ रहे हो ना ये भी कमान है तो भी कमान तो लिखे हो गए 15 × 10 का प्रति फिर लिख दो ई कमान इतना है ठीक। कहाँ निकालना है तुमको चाहे पहले तो ऊर्जा पूछ रहा है जूल में तो जूल में तो ही निकल जाएगा डब्ल्यू बराबर ई इंटू भी से हाँ ये 10 × 6 × 10 का मास है ना ई से आई इंटू सुनो अभी कितना है इतना है तो 15 × 6 = 90 के जीरो नीचे ले देते हैं अब 15 × 15 = 9 = 24 हाँ तो जा गए 10 × 1 = 10 नहीं लगाइएगा हाँ अरे 10 है ना। अच्छा जानते हो हमेशा उठा के यहाँ पर लेकर आओ जितने अंक इधर लेकर के आओगे जितने अंक उतना 10 के ऊपर 1 लिख रहा है समझ लो जितने इधर लाओगे ना 10 के ऊपर 1 लिख रहे ना जितना अलाओगे तो हो गया तुम्हारे पास 10 के ऊपर 16 कह रहे घट जाएगा 15 इतना जुलाया। अच्छा एक काम करो इलेक्ट्रॉन बोल्ट में बता रहा है मान कितना होगा समझ लो बात को तो इलेक्ट्रॉन बोल्ट में ना कोई भी मान पूछ रहा है जैसे ई की जगह पर तुमने रख दिया कितना 1.6 × 10 = 27 और भी की जगह रख दिया 15 × 10 = 3 जब भी इलेक्ट्रॉन बोल्ट में बदलना होगा इससे हमेशा भाग दे देते हैं याद करना चीज। अच्छा तुम लोग केमिस्ट्री में सब सवाल पढ़े होगे थोड़ा सा पढ़ाया गया था इसमें चलो ठीक है इससे भाग दोगे इलेक्ट्रॉन बोल्ट में बदलने के लिए जूल में है ठीक है आया था इतना वो 10 लगा दोगे तो आ जाएगा 15 × 10 = 3 इलेक्ट्रॉन बोल्ट हमारा आंसर आ गया नोट कर लो इसको पढ़ा के देख लो यदि 5 कूलम आवेश को 1 बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है यदि पहले बिंदु का विभव